you're watching Exposed India. पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि लगातार आज 10वें दिन भी जारी है। रुपए में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेज उछाल के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 19 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 79.31 रुपये और डीजल 71.34 रुपये प्रति लीटर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। पेट्रोल में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता मोदी सरकार पर नाराज दिखी। डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन, बट ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि बंदा हर बार नहीं मैनेज कर पाए। ठीक है, होता है कि अलग लेवल की अलग अलग उतनी की इनकम है, बट कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ये, बिकॉज जो इनकम सोर्स ही रहे अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, तो इट्स नॉट गुड फॉर द जनरल पीपल। भैया मेरा तो कहना यही है कि सरकार को कुछ ना कुछ इसके खिलाफ करना चाहिए, और आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। अभी आजकल रोज ही बढ़ते हैं भाव, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 5 रुपये कम कर देते हैं। आम जनता तो इस चीज़ से परेशानी है, डेली नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, बाद में आके क्या करेंगे? जो अभी सुधार होना है वो आजकल सुधार करो ना, बाद में तो सुधार हो जाएगा, जब अपना ही नहीं सुधार होगा आजकल, फिर आगे जाके क्या सुधार करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी रेट बढ़ा है जी, और ये सही नहीं है। भैया देखो, अभी 180 रुपये का पेट्रोल डलवाया, अब बताओ 180 रुपये में पेट्रोल भी ऊपर से डलवाने पड़ा, बिल्कुल भी लगता नहीं कि बिल्कुल आने वाले टाइम में कुछ होगा। सोचते अपनी चीज़ लिए 2 रुपये बचेंगे, पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा, क्या करें? पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, इससे पब्लिक तो परेशान है ही है, क्योंकि पेट्रोल तो दिन को दिन बढ़ते ही जा रहा है।